दुनिया में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको धनवान बना देगा। सिर्फ दो ही चीज हैं जो आपको धनवान बना सकती हैं, एक है आपके कर्म और दूसरा आपकी नियत। जिसकी नियत अच्छी, भगवान उसके साथ हमेशा खड़ा है। आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो आपकी बरकत का उपाय है। धन की बरकत कैसे हो सकती है उसका उपाय है। धनवान बनने का कोई उपाय नहीं होता, सिर्फ आपके कर्मों से जो आप धन अर्जित करते हैं वो कैसे बढ़े, कैसे समृद्धि हो उस धन की, ये उपाय जानिए आज मेरे साथ। नमस्कार। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई रिच्चे, जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। देखिए, धनवान बनने का कोई उपाय नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, मेरे ख्याल से सैकड़ों हजारों वीडियोस होंगे जो आपको धनवान बनने के उपाय बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह माने तो धनवान आप नहीं बनेंगे। धनवान सिर्फ आप अपने कर्मों से बन सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, वो ही आपको धनवान बना सकता है। जब उसमें आपको लगातार सफलता मिलती रहेगी, कोई विघ्न नहीं आएगी, अड़चने नहीं आएंगी, तो आप हमेशा धनवान बनते रहेंगे। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, सुख समृद्धि होगी। दूसरा, आपकी नियत जो है ना, अगर आपने साफ रखी हुई है, बहुत अच्छा आप सोचते हैं, सबके लिए भलाई का सोचते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देता है। आपकी किस्मत, आपके भाग्य के रास्ते खुलता जाता है। आज का उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी किस्मत, आपके भाग्य को बदलने के लिए उपाय है। आपके घर में बरकत बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े, उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, जिसको आप करेंगे तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि आपके घर में जरूर आपके वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, बरकत होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, और जो भी काम आप करते हैं उसमें जो भी अड़चनें आती हैं वो दूर होती चली जाएंगी, और धीरे 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 आपके धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। माता लक्ष्मी ऐसी कृपा करेगी, आठ दिशाओं से अष्ट लक्ष्मियां, यानी आठ लक्ष्मियां मानते हैं, आठों दिशाओं से लक्ष्मी की कृपा होगी। लक्ष्मी की कृपा का मतलब है घर में बरकत होगी, सुख समृद्धि होगी। जो व्यापार आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, यदि आपने लोन ले रखा है वो चुकना शुरू हो जाएगा। आपकी गुप्त सोर्स, यानी कि आपके ऐसे सोर्सेस खुलते चले जाएंगे जहां से पैसा आने की आवक बढ़ेगी, धन आएगा। तो ऐसा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा में करें, यानी कि सूर्य उदय के बाद में और सूर्य अस्त होने से पहले करें। सबसे पहला नियम ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त होने से पहले करना है, अंधेरे में इस उपाय को बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, किसी भी दिन कीजिए। आप शुक्रवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं, संडे को करते हैं, जिस दिन आपको समय मिले उस दिन ये उपाय कीजिएगा। लेकिन इस उपाय को जब भी आप करें, उस समय आपका मन बहुत प्रसन्न होना चाहिए। किसी भी तरह का द्वेष मन में, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी से आप चिढ़े हुए नहीं होने चाहिए। ये इसके दो नियम हैं। एक तो दिन में करना है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा में करना है। दूसरा, आपको खुश होते हुए करना है। खुश होने से आपका शुक्र अच्छा होता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो आप शुक्र को मजबूत करते हैं। तो इस उपाय को करते समय आप खुश होना बहुत जरूरी है। घर के मंदिर में आपको एक लौंग लेनी है, अच्छी लौंग, बड़ी लौंग लीजिएगा जिसमें फूल हो, ऊपर फूल हो, ऐसा आप लौंग चुनिएगा। बहुत सारी लौंग में देख लीजिए, जो अच्छी लगे, जो सबसे अच्छी दिखे आपको, वो लौंग आप लीजिएगा। थोड़ी सी इलायचियों में से एक ऐसी इलायची छांटिएगा जो बहुत सुंदर सी दिखे, बहुत बड़ी सी दिखे, जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाए कि हाँ भाई ये इलायची है। वो दो चीजें आपको लेनी है। अब दोनों को, यानी एक लौंग और एक इलायची को,
सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इसे देखना नहीं, यानी कि जब आप इसे रखेंगे तो इसको देखेंगे नहीं कि आपने कैसे रखी है, आपने उठाई और रख दी और इसके बाद इस मुट्ठी को बंद कर देंगे, यानी कि इस मुट्ठी को ऐसे बंद कर दीजिएगा। इस मुट्ठी में आप बंद रखेंगे अपनी लौंग को और एक आपकी इलायची को। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, मन प्रसन्न रखना है, हमेशा अंदर से खुश होते हुए ये उपाय करना है। माता लक्ष्मी से विनम्र निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि माता लक्ष्मी आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, और इस तरीके से मुट्ठी को बंद रखना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा आप 108 बार कीजिएगा। 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः जपते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप ये लौंग और इलायची को अपने हाथ में ही रखिएगा। एक छोटा पीला कपड़ा का टुकड़ा लीजिएगा, जो छोटा सा टुकड़ा हो उसको लीजिएगा, पीला कपड़ा होना चाहिए, देखिए नारंगी नहीं चलेगा, येलो कलर का यानी पीले रंग का कपड़ा लीजिएगा, जो यूज किया हुआ ना हो, नया कपड़े का टुकड़ा चाहिए आपको। उस इलायची और लौंग को 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद आप उस पीले कपड़े में रख देंगे और देखेंगे नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि वो लौंग और इलायची क्या है, कैसी है रही, आपको सिर्फ उसको इस तरीके से पीले कपड़े में रख देना है और बिना देखे ऊपर को देखते हुए उसे बांध देना है। बांध कर कैसे भी उसमें गांठ लगा दे, कुछ भी कर ले, एक छोटी सी पोटली बना लीजिएगा और अपने घर के ऐसे स्थान पर रखिएगा जहां आप पैसे रखते हों, या फिर आप उसे अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी की तिजोरी में ऐसी जगह रखिएगा जहां आप अपने पैसे रखते हों, सेविंग रखते हों, जहां आप धन रखते हों। ये टोटका बहुत काम का है। आप मुझे याद करेंगे, मुझे धन्यवाद देंगे जब ये आपके वर्क करने लग जाएगा। ये पहले दिन से ही काम करेगा ये टोटका, और ये जो है, ये जो उपाय है, ये आपके घर में बरकत, सुख समृद्धि लाने का उपाय है, धनवान बनने का उपाय नहीं है। ध्यान रखिएगा, धनवान नहीं बनेंगे लेकिन सुख एवं समृद्धि एवं घर में बरकत, किसी भी चीज की कमी नहीं हो, उसके लिए ये उपाय है। अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, धन की आवक बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप मुझे जरूर धन्यवाद करेंगे जब आपके साथ ये होना शुरू हो जाएगा। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता।